वेलकम गाइस, ओपो रेनो 7Z। इसके अंदर अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, हो जाता है कभी कभी की सेटिंग की चेंज करने में। तो गाइस, कस्टमर आ गए थे इस वजह से थोड़ी वीडियो को पोस्ट करना पड़ा। तो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम फॉलो करना और ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट आएगी। सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग का आइकन सेम होगा, आप स्लाइड करके भी नीचे आ सकते हैं और ये यहाँ से भी आप सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको स्लाइड करके नीचे आना है। आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4। ये गोल सा सर्कल वाला दिख रहा होगा ऑप्शन आपका ग्रीन कलर का, आपको इस पर टच कर देना। ठीक है, फिर इसको टच करने के बाद ऊपर से काउंट करना है आपको 1 2 2। पे जो ऑप्शन आएगा ये वाला, आपको 2 वाले ऑप्शन पे टच करना है। ठीक है, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज आ रही है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अभी यहाँ से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ये ले लिया और ये देखिए लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अभी ये लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज अगर आपकी आ रही है तो आपको करना क्या है, इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन आएगा, आप इस पर टच कर देना। ठीक है, ये लैंग्वेज चेंज हो गई। अब उसके बाद करना क्या है, 3 डॉट पे जाएंगे या एडिट का ऑप्शन होगा और जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उस पर सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना। तो वापस ये लैंग्वेज एडिट वाले ऑप्शन में आ जाएगी और आपकी सिंगल लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।